एल्टीग्रेट प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार हज़ारों की संख्या में छात्र कर रहे हैं कि जो विषयों की प्रतीक्षा सूची है वो शासन स्तर से और विभाग स्तर से जारी की जाए, जिस पर सचिव, परीक्षा नियंत्रक और शिक्षा निदेशक के माध्यम से बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची जारी हो इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एलटी प्रतीक्षा सूची 2018 के लिए विभिन्न जो छात्र हैं वो मौजूद रहे और यहाँ पर विभिन्न तरह से प्रयास किए गए। फिर बताया गया कि एलटी प्रतीक्षा सूची का जो केस है वो छात्र जीत गए हैं और आयोग निदेशालय और उत्तर प्रदेश शासन को जो ऑर्डर की कॉपी है वो भी रिसीव करा दी गई है। केस संख्या भी देखिए बताई गई है 522/2021 रही, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि जो भी विषय के प्रतीक्षा सूची हैं वो जारी हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला जो लेटर है वो अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक को एलटी ग्रेड 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए कहा गया है, जहाँ पर बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जय सिंह यादव एंड अदर्स की जो यहाँ पर केस थी, याचिका थी 522/2021, उसमें याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए कमीशन को प्रतीक्षा सूची जारी करने का डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है और इसीलिए यहाँ पर यह रिमाइंडर भेजा जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है छात्रों के माध्यम से। यह दूसरा लेटर श्रीमती अंजला गोयल जी को भेजा गया है, जो कि सचिव हैं परीक्षा निदेशालय प्रयागराज की, और यह तीसरा लेटर श्रीमान शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया। इन सभी लेटर्स में एक ही बात कही गई है कि कोर्ट के अधीन प्रतीक्षा सूची जारी की जाए ताकि बचे हुए रिक्त पदों पर जो मेरिट डाउन करके अभ्यर्थी वेटिंग में हैं वो चयन पा सकें। तो जैसे ही इसके लिए लिखित आदेश जारी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। शासन स्तर से कार्य चालू है, जल्द ही इस पर जो आदेश है वो देखने को मिलने वाला है।